हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने 1 कप के आसपास कच्चे काले चने लिए हैं। ये थोड़े से बड़े साइज के हैं। एक छोटा वाला देसी चना होता है, उसका छिलका सिकुड़ा हुआ होता है, उसको नहीं लेना है। जब भी आप चना सेलेक्ट करिए तो बड़ा वाला लीजिए, उससे रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। चना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच से कम हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच पानी। 4 चम्मच डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हल्दी नमक पानी जब मिक्स कर देंगे तो इसका छिलका एकदम मुलायम हो जाएगा, चना को फूटने में आसानी रहेगी। अब चने में नमक पानी हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, जिससे इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए और चना भी अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको ढक देंगे, 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे हो गए हैं, अब चना को देख लेंगे। ये देखिए, चने का छिलका सिकुड़ गया है, चना सॉफ्ट हो गया है। अब सारे चना को थोड़ा सा पोंछ लेंगे, इनका पानी और जो नमक है उनको एक किचन हैंकी में डाल करके पोंछ लेना है। इस तरह से पोंछ लेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा नमक है और पानी अच्छे से पोंछ जाएगा। अभी अच्छे से पोंछ गया है, ये देखिए थोड़ा सूखा सा हो गया है। अब इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक भारी तले की कढ़ाई रखेंगे, गैस को हाई फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप नमक। ये नमक मेरा पहले से यूज किया हुआ है, मैंने इसमें मूंगफली भूनी थी। आप नमक को कई बार यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। अब नमक को अच्छे से गर्म करना है। नमक को तेज गर्म करने में 10 मिनट के आसपास समय लग जाएगा। नमक धीमा बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो चना नहीं फूटेगा। अब 10 मिनट हो गए हैं, नमक अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छी हीट आने लगी है। अब इसमें चना को डालेंगे, 2 मुट्ठी डाल देते हैं। लगातार चलाएंगे, जिसे बराबर से भूने। ये देखिए चट-चट की आवाज आने लगी है, चना फटने लगा है। ये देखिए जैसे जैसे फटेगा वैसे वैसे आवाज करता है। जैसे जैसे चलाते जाएंगे चना फटता जाएगा। अब ये देखिए चना भुन गए हैं, अब इनको बाहर कर लेंगे, एक चलनी में निकालेंगे जिससे नमक नीचे रह जाए। ये पूरी तरह से बाजार जैसे तो नहीं हो पाते, लेकिन टेस्ट में बाजार से 10 गुना ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चना कैसा लगा। आपको जब भी चना खाने का मन हो तो इस तरह से आप बना लीजिए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अब ये देखिए नमक नीचे रह गया है, कितने सुंदर चने भुने हैं। कुछ दाने रह गए हैं जो फटे नहीं हैं, लेकिन वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।